और करेंगे। अजब तेरी लीला, अजब तेरी लीला जहां में बभोला। भोला का मतलब ये मत समझिया कि दूसर कुछ है। कहानी मिली घुमा के लिया थे गौर करेंगे। अजब तेरी लीला जहां में बंभोला, दर्द पा के दुखिया भी हो जाते चंगा। देवों में महादेव त्रिनेत्रधारी, शशि भालगर में लपेटे तल पे बघम पर लगाए रघुपति, जटा मध्य सिमटी रही मात गंगा। अरे बैतालिका ताल देता गवाही, जहां आज तक है खड़े शिवनंगा। गौर करेंगे भैया, भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा हिंदुस्तान का वन चला हुआ विदेश में हुआ करती है। सावन के महीना में हमारे तमाम कंवरिया साथी कंधे पर कांवर लेकर के बाबा बैजनाथ धाम जल चढ़ाने जाते हैं, लेकिन कहानी कम लोग जानते हैं कि बाबा बैजनाथ की कहानी क्या है। जो जानते हैं सो जानते हैं, जो नहीं जानते हम बताना चाहते हैं मित्रों। एक बार लंका का राजा रामर भगवान भोलेनाथ का वास लिंग लेकर के, शिवलिंग लेकर के चला। कहा चलिए मैं आपको लंका में स्थापित करूंगा। भोलेनाथ कहने की चेला रामर चला बेटा, लेकिन शर्त यह है कि कैलाश पर्वत से लंका के जो दूरी हो लेके चलबा, तो रास्ते में कहीं लघु शंका या दीर्घ शंका नहीं करोगे। मतलब टट्टी पिशाब ना करे को हो, मतलब जहां रख के हमके टट्टी पिशाब कर रखबा, जहां रख देबा हो हम जाम हो जाई। रामण घमंडी राजा का के है भोलेनाथ, हमार परीक्षा छुआ, लंका से 14 बेर जाई, लंका से 14 बेर आई, लेकिन एक को बिना रखब टट्टी पेशाब करब। कहा तो चला, लेकर के चला है रामर जंगल के रास्ते से चला है। वही जंगलवा में बैजू नाव का चरवाहा गायन चलावत रहन लड़के ने। कहा साधु बाबा अथवा में का ले लेवा बाबा, कहला कि यही शिवलिंग है बेटा, यही में शिवलिंग है बेटा। कहां ले जेबा, कहां जेबा बाबा, कहां जाना तो बड़ा दूर है बेटा, थोड़ी हमारी मदद करोगे, काम मत कर कोई बाबा। कहा बेटा थोड़ा सा थाम लो, मुझे पेशाब लगी, थोड़ा पेशाब कर लूं। रामण थमाए के बैजू के अगले पेशाब करे, जस जस रामण के पेशाब कम होत गई, वस वस शिवलिंग का वजन बढ़त गया। बैजू लड़का चिल्लाए कि बाबा आवाज़ तो रखब। ना 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 बेटा, ना 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 रखिए मत, मन तो बड़ी बेटा। दौड़ा है रामर शिवलिंग थामने के लिए, जस जस बैजू के पजरे पहुंच जाते, इतना वजन बढ़ गया कि घस दे जमीनी पर रख दल। जब जमीनी पर रख दल तो शर्त के अनुसार जाम हो गई, रामर लगल हिलावे हिलते ना है। गुस्सा में हो गया रामर, 5 लात मरल मार के चल रहा है। जब चल लगल तो बैजू पूछे बाबा तने बतावा बतावा, ई कौन बाबा हुआ, ई लतावा बाबा हो का। बैजू को लठिया छोड़ के 5 लाठे शिवलिंग को बल्लस कलस एक कर देता हुआ। चलो लतावा ना बल्कि लठावा बाबा हुआ, लड़के का बुद्धि न कि लाठी का देवता हूं, तो रोज नहा धो के आज सवेरे जाके 5 लाठी मारे, ओकरे बाद खाना पीना खाए, गैयन लेके जंगल में चरावा जा। रोज का नियम है, एक दिन भुला गए नहाए के, लाठी मार भुला गए लगना खाना खाए, तबले दिमाग मर के रे आज पूजवा तो हम कैबे ना कैली,
गुस्सा में उठल वो बैजुल चरवाहा, कहा कि लफड़ा कहां से फान रही, पूजा पाठ कर खेले पेले में तकलीफ होती है, जाए को 10 लाठी तार के मल्लन, और जब 10 लाठी मल्लन तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गयन, बार भंगी देवता लाठी मरले पर खुश हो गयन, कहले बेटा मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूँ, बधान मांग ले बेटा। कहले तू के हुआ बाबा, कहले भोलेनाथ हिला, कल यही में रहला का, हाँ बेटा यही में रहिला, कहले बाबा वरदान देबा, कहा बेटा धन दौलत खजाना मांग ले वरदान दूंगा, कहले धन दौलत के क्या करब, तोहरे कृपा से कुल है, लेकिन देवही चाहता तो यह था कि तोहरे नाव के पहले हमार ना हो कर, तो दुनिया का नाथ हुआ तब तोरे नाव क्या कि हमार नाव होकर, बस ये हम चाहला भोलेनाथ कहले ओ मस्त ऐसा ही होगा, तब बैजू आगे पीछे नाथ, बैजनाथ जहां सावन के महीने में कंवरिया साथी कांवर लेकर के जल चढ़ा जाते हैं, वैसा कहानी थे मेरे बिरहा में मिलल, बिरहा में गजल मिलल, यह गजल बाप, अरे खुद भी ये बाबा के ए ए, अरे खुद भी ये परेशान है, अरे खुद भी ये परेशान है, अरे मुझको आजमाने से, अरे खुद भी ये परेशान, खुद भी ये परेशान है मुझको आजमाने से, अरे खुद भी ये परेशान है, अरे मुझको आजमाने से, अरे बस्तियां, अरे बस्तियां, अरे बस्तियां चली सारी, अरे बस्तियां जली सारी, मेरा घर जलाने से, अरे बस्तियां विराम कभी लिखा धोखा क्या, अरे भक्ति के तो भक्ति के, अरे भक्ति के समंदर, अरे भक्ति के समंदर में, अरे गोता जो लगाता है, भक्ति के समंदर में गोता जो लगाता है, अरे भक्ति के समंदर में, अरे गोता जो लगाता है, अरे जिसकी जैसी, जिसकी जैसी, अरे जिसकी जैसी भावना रही, अरे जिसकी जैसी भावना रही, वैसा फल वो पाता है, भैया बाबू चाचा लोग, अब हमारे बिरहा के कहानी का शुरुआत है, धनी से एक एक लाइन पर गौर करवा, बिरहा में मजा आ जाए, तो कहना है बसी है काशी नगरी शिव के त्रिशूल पे, बजनाथ धाम बना बजू के वसूल पे,
करेंगे। काशी नगरी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल में बसी है, सब पुराणों में व्याख्यान मिलता है, लेकिन कहानी हमार कहां का? पखंडू यादव की है हकीकत मुरानी, करनी से जिनके बन गई है अमर निशानी, पूरा में उषा रानी घूंघट खोलने, पूरा में उषा रानी घूंघट खोलने, पखंडू की एक भैंसी तो बोलने लगी, गांव में एक झगड़ू यादव नाव का किसान रहलन, बियाह शादी कर लन, मेहरारू ले लन, 32 साल बीत गलो भैया, भगवान कोनो औलाद ना देलन, तो हमारे घर का बात हो, आपके घर के बात हो, दुनिया में केहू के बात हो, बियाह शादी होला मेहरारू घर में आवेले, दो चार साल में लड़का अगर ना भेल तो लोग बतियावे लगन के भाई दोनों का करत हो, कुछ फरियोना ना सो कोनो रिजल्ट भइले नाल का करत हो, 32 साल बीत गेल भगवान कोनो औलाद ना देना, त मेहरारू बहुत ज्यादा घबरा जानी, आ कहल जाला कि मर्दन से ज्यादा मेहरारू के पूजा पाठ में आस्था होले, कोनो मेहरारू रा देलस के बहनी कोख त्वार ना खुले थे, भगवान भोलेनाथ और भंगी देवता हुन, भगवान भोलेनाथ के पूजा करा, उनका दया दृष्टि हो जाए तो तोरे कोनो बाल बच्चा हो जाये, झगड़ू के मेहरारू रोज लोटा में पानी लेके में बेलपत्र वगैरह लेके आ जाके भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ावे लगल, झगड़ू पूछले करे रोज सबरमा लोटा का पानी लेके कहाँ जाली रे भाई, कलश के भगवान भोलेनाथ के जल चढ़ा लगल, जल ऊ कैसन जल, कहना भोलेनाथ के कृपा हुई तो लड़का हो जाये, झगड़ू बिगड़ गए कि चुन करे पखंड मत कर, हमारे मेहनत से लड़का हो कि भगवान भोलेनाथ के मेहनत से लड़का हुई, लेकिन मेहरारू मानला भगवान भोलेनाथ के जल देत रह गई, भोलेनाथ के कृपा भई, 9 महीना 10 दिन के बाद झगड़ू के मेहरारू के बड़ा सुंदर लड़का भयल, चूंकि पूजा पाठ के पखंड मात अलन, वो पखंड में लड़का हो गल, एले वो लड़कावा का नाम पखंडू रखलन, पखंडुआ धीरे 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 14-15 बरस के जब भयल, कहले हे बाबू अरे पढ़ाई लिखाई ना करब, कहले का करबे बेटा, कहले अहिरे के लड़का आयला पहलवानी करब, तोहर नाम रोशन करब, एक गांव का नाम रोशन करब, बाबू मोच पे गुर्रा देलन की शाबाश बेटा शाबाश, लेकिन हमारे लायक कोनो सेवा पखंडू, कहें देखा बाबू पहलवानी करब न तो घी दूध चाहिए न, एटे भैंस खरीद देता घर में दूध दिया तो मजा आ जात, पहलवानी कह ले, बाबू को मुड़ी नीचे हो गई, कहले बेटा गरीबी में फरमाइश कहबो कह तो बहुत बड़ी यार, भैंस खरीद ले का तो सवण ना है, लेकिन बेटा पखंडू तोरे ननियाउरे से दैजा में पानी मिले लिए हम वही के खियावा पियावा, आ जब धन आ जाए तब घर में दूध हो जाए बेटा, पखंडुआ कलश की ठीक कला बाबू, आ हा पखंडुआ लगल खरी चुनी खियावे, आ खरी चुनी जब खियावे लगल पूनम, 2 महीना जा तू पानी एक दिन रात का बोल लगल, पूछे तो पखंडुआ की पानी कहा कहते बाबू, बस बेटा दूध कया गम हो गया, दोनों बाप बेटा लेके पड़िया के चल ना भैंसा खोजे बदे, एक गांव में वो गांव में भैंसा खोजो कहीं मिलत ना है, कुछ लोग पूछ लेना कि पखंडू पड़ियवा के लेके कहाँ जाता रहा, तो बताओ तुम बीमारी वाली गीत लगाई, वह तजबा अरे तू लही रहे बेमान, सुना तू लही रहे बेमान, निरहुआ 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 सटल है, अरे तू लही लोग पूछा कि ये पखंडू ये पानी के कहां लेके जाता रहा, बताओ थोन लोगों से कहा,
अरे भैंसा नहीं बेटा, सुनो भैंसा नहीं बेटा, भैंसिया 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 गरम भई, अरे भैंसा नहीं बेटा भैंसिया। यादव जी मगरही से ना, अच्छा मल्लेवर से ड्राइवर साहब की ओर से पुरस्कार मिलल, बहुत उपराम हो गए, बताओ थो लोगों से कहा, अरे भैंसा नहीं बेटा, सुना भैंसा नहीं बेटा, भैंसिया 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 गरम भाई, अरे भैंसा नहीं बेटा भैंसिया भैंसिया गरम भई, अरे ए श्रीमान मिठू यादव ड्राइवर साहब मल्लेवर के धरती से एक क्यों रुपया पुरस्कार, भैया के मार बहुत प्रणाम हो गए। अच्छा अच्छा श्रीमान, अच्छा भैंसिया गरम भइल पर अब्बा भैंसा से मिलाओ थेला, ये हमारे जनप्रिय लोकप्रिय नवगढ़ के नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख श्रीमान जवाहर सिंह खरवार, आप प्रमुख जी की ओर से 201 रुपए का सम्मान प्रदान किया गया, बहुत प्रणाम हो भैया के, सब लोगों के नमस्कार प्रणाम हो। कहना है बताओ तो कि भैया कहीं भैंसा दिखला है, लोग कहे यार वो गाँव में लौकल, वो गाँव में जहाँ तक कि वो गाँव में गई लन, वो गाँव में जहाँ तक वो गाँव में गई लन, तब का भैर। अच्छा अरे भागल खुंटा तोरा भैंसिया, अरे भागल खुंटा तोरा भैंसिया, भैंसा हा हा भैंसा, ओ हो भैंसा नहीं बेटा भैंसिया 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 गरम भई, अरे भैंसा। बाप बेटा शाम का समय है, बाबू कहें बेटा तब बाप बेटा घूमे गहुआ गहुआ, खोजल खोजल थकल तू में पहुआ, खोजल मंदिर शिव का देखा भैंसिया, मंदिर शिव का देखा भैंसिया, अरे भैंसा हा हा भैंसा, ओ हो भैंसा नहीं बेटा भैंसिया 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 गरम भई, अरे भैंसा। बाबू कहना बेटा लगा था कि आज वो कहीं मिली ना कहीं बहका लगल कोई, चल घरे लो चल जा बेटा, कल सुबह देख ले, दिन भर तक बिना खेले पेले बीत गल, अब सवेरे फिर आओ जी बेटा, लेकिन घर वापस जात हुन कुछ है रुकने तेरे शिव मंदिर लौकल, कहते रुकते मंदिर लौकत था तनी देखी तो कल मंदिरवा में कल हाँ तन देखी
जब गैले देख नक्शे से देखलन तो शिवलिंग का स्थापना भइल बा। हाँ देखो कि आओ बेटा आओ, पूछे था कि बाबू मिल गल का, पहले आओ। भैंस लेके पहुंचल है बाबू, बताओ कि बेटा ये भगवान भोलेनाथ के मंदिर है, इन्हीं के कृपा से तोर जन्म भल है। इतना भंगी देता हमारे बेटा कि जे धन दौलत मंगलों के धन दौलत दिलन, जे महल अटारी मंगलों के महल अटारी दिलन, जे जवन मंगलों के तवन दिलन, तका हमन के भैंसा ना दे सकलन। बाने खम्मा में भैंस के भागे ना पावे, खम्मा में शिव मंदिर के खम्मा में बांध के और दोनों बेटा बाप बेटा बैठ के भगवान भोलेनाथ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तर्ज बदल के मास्टर। वह तर्ज है कौनो मेहरारू नया छाता ले ले है, काखी में दबोले, बरसात बड़ी तेज होती है, नया छाता काखी में दबोली लेकिन खोलत ना है, डरा थे कि भीज जाए तो सर जाए। कौन देखा था कहना करे बहु रही, ए, खोल के चल बहु रही, छाता नया ले ले बारी, काखी में दबोले बारी, भिजत बारी, भिजत बारी, एक फायदा का छाता ले ले से ससला जी बुहो वो बिगड़ गई। अब बिगड़ गए तो का कल, अरे बंद करके रखी जा है, बंद करके रखी जा है, खोल करके छाता राजा का माता, अरे राजा का माता हमारो देखी देखी तोर का भभाता, राजा का माता हमारो देखी देखी तोर का भभाता। इतना तरस करे मुना है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने मंदिर में दोनों बाप बेटा भैंस खम्मा में बांध के घुटना टेक के माथा टेक के काका थोन बाप बेटा दोनों लहले, बाप बेटा दोनों लहले, अरे भैया मारा माई देवा बताई बाबा, अरे देवा बताई बाबा कैसे मोर भैंसिया है धनाई, देवा बताई जुकुती लगावा कौनो दीना नाथ आई के, जुकुती लालसा पुरादा बाबा, लालसा पुरादा बाबा डमरू बजाई के, विराज सुनने वाले भैया बाबू चाचा लोग गौर करिहन, दोनों बाप बेटा ओम नमः शिवा का जाप जपत हुवन, ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवा। आधी रात बीत गई भोलेनाथ के कहीं पता ना है, पैसा लेला एक क्यों आविष्कार मिठू यादव ड्राइवर साहब मलेवर के धरती से, बहुत बहुत प्रणाम भैया के, मालिक की स्टीयरिंग बरकरार रखे सब भैया के मार, बहुत बहुत नमस्कार हो गए। ए भैया गौर करेंगे 12 बज गए रात के, ओम नमः शिवा का जाप जपत हो सो लड़िकवा कल का बाबू तो और भोलेनाथ कहाँ गईलन, तू तो कहला कि एक घंटा में प्रकट हो जाइन, लड़के के बुद्धि ने कहा बतावा का करी, बाबू कहने क्या करी पिंडी पर जो है शिवलिंग पर माथा पटक, शिवलिंग पत्थरे के बा बाबू को तो माथा पटक के लड़के के बुद्धि ने माथा पटक दिलत, अच्छा पिंडी पर माथा लगल तो कैसे फूट गया,
छर छर से तेरे खून बह लगल, शिवलिंग पूरा खून से रंगा गया, माथा पट गए तो ओम नमः शिवाय के फिर माथा पट गए, ओम नमः शिवाय के फिर माथा पट गए, पूरा खून से शिवलिंग रंगा गया, मंदिर रंगा गया। बहरे भाई के खून जाए लगल पूरा। ए बाबू भगवान भोलेनाथ का आसन डोल गए, अब भगवान भोलेनाथ का आसन डोल गए, रे बाप रे बाप, एक भक्त हमारे रावण रा की मुड़ी काट के चढ़ावे, अर्थात नया भक्त मिल गए, अपन माथा फोड़ के खून चढ़ावत हो, चला के जाही भगवान भोलेनाथ चल रहे बाबू, आ चलन तो कैसे अलन भोले बाबा भैस, भोले बाबा भैस साधु का बनाई दे बताई दे बताई बाबा कबले भैंसिया चिल्लाई दे बताई बाबा कबले भैंसिया चिल्लाई दे बताई भगवान भोलेनाथ साधु के वेद प्रकट हो गए, लंबी लंबी दाढ़ी लंबी लंबी जटा कान में झोरी गले में रुद्राक्ष वाला माला हाथ में कमंडल पैर में खड़ा हूँ, खट्टर पत्थर खट्टर पत्थर खट भोलेनाथ आ गए, माथा पटका था नमः शिवाय का जाप जब था तब हथवा पकड़ ले बेटा, माथा कहे पटकत हुए कहे लाल माथा पर के खून बावत हुए सारा खून बजे बेटा जिंदगी खराब हो जाई, ए भैया देखलस खून से पूरा चेहरा रंगा है तकलस कलस के साधु हम छोड़ दा तो से मतलब ना है, कह बेटा माथा मत फोर कलस साधु मान जाने तनी मार मारब जिंदगी में हमार तू नाम याद करबा, यहाँ से तू चल जा तो से मतलब ना भोलेनाथ से मतलब है, साधु कहना कि बेटा हमें के भोले मन भोलेनाथ मान ले काहे प्रगत हुए माथा हमें के भोलेनाथ मान कल मान तो ले लेकिन जवन मांगम ना पूरा करबा तो तुके लाठी से तनी मार मारब, ए भैंस के पगा से छान के मारल जाई, भोलेनाथ स्वीकार करके ठीक है मरिए बेटा पहले बता तो के चाहत का कहे माथा पट गए हुए कल बाबा ये बाबा बाबा भाई देखत हुआ न कबो कबो खड़ी होके चिल्ला ले कबो बैठ जा कबो कबो लोट जा ले सांसे से चिल्ला थे बाबा आ गरम भइल है हाँ, बहुत गर्म है बाबा तैसे गर्मियां उतार लेता बाबा हाँ। कैसे धनाई बाबा ही भगवान भोलेनाथ कहना कि यही बदे माथा प्रकट हुए अपने झोरिया में हाथ डलन एक हाथ के लकड़ी निकलन कहना ले 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 लकड़ी ले ए भैया गुस्सा में लाल होकर कहे साधु फाधु भैंस धनाओ बदे भैंसा मांगा थैला तो लकड़ी जो थोड़ा लकड़ी से का होई लकड़ी फकड़ी तोड़ दे तोहार बाबा का ना 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 अरे बेटा तोरिये मत बड़ी गुणकारी लकड़ी है बेटा गुणकारी है कल हाँ बेटा अगर गुण के सुनबे तो हर रन पर जीबे बाबा बताओ तो इलाहाबादी कहरवा में का भगवान भोलेनाथ साधु के वेश में का कहलन खुश हो बोल उठे बम भोला खुश हो बोल उठे बम भोला आवा आवा हमारे खुश हो बोल उठे बम भोला आवा आवा हमारे लेला लकड़ी बेटा चल जाई बाबा वाना वाना लेला लकड़ी बेटा ए बेटा लकड़ी लेके घरे जो
अच्छा अच्छा ए मलेवर से मिट्ठू यादव ड्राइवर साहब ई भैंस के खरी चुन्नी बदे है। बहुत बहुत सा भैया के नमस्कार प्रणाम हो। बड़ा दुलार बड़ा प्यार आप लोगों से मिलल। गौर करी हम कल बेटा लकड़ी लेके घरे जो कल पर लकड़िया का गुण बतावा हमसे बताओ थोड़न लकड़ी देवा पहली बे छुआई भैंस जाई तो एक लकड़ी मर में बेटा भाई धना जाई। लड़का कहलस की हाँ फिर लकड़िया से कल हाँ बेटा कर माय बंद हो जाए जो नहीं माय माय कर दिए देवा पहली बे छुआई भैंस जाई तो धन अथल बलाई दूसरी देरी पर तनवाना अथल बलाई दूसरी एक लकड़ी मर पे धना जाई दूसर की लकड़ी मर पे थलबला जाई। कल तब आगे बी आई का बाबा बताओ थोन लकड़ी की सर पे छुई बपन बचाहे पड़िया लकड़ी की सर पे छुई बपन बचाहे पड़िया खैबा प्रेम से दुधवा सधवा या बिहाना वाना खैबा प्रेम बेटा धना जाई दूसर की मरवे थलबला जाई तीसर की लकड़ी मरवे तो पड़वा चाहे पड़िया एक बार 7 लीटर वाली बल्टी लेके घर 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 दू जर्सी भैंस रहे का भैया जय माधवर गाय जर्सी की भैंस जर्सी ए भैया इतना कह के भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गई लन आज जब अंतर ध्यान हो गई लन तो बाबू कहले काम कर बाबू कहले कि बेटा अब चल 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 काम हो गल कुछ दूर गई लन बाबू करू 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 का कल अब करे कल ये बतावा लकड़िया का टेस्ट ना कल गल ऐसा तो नाना फर्जी दे के मन के कोनो बेकूफ बना के चल गया बाबू कर कि ना बेटा फर्जी ना है सही है तो से बतियो तो ना तेरे सामने गायब हो गई लन वो वास्तव में कोनो शक्ति रहल भोलेनाथ रलोही है मान जो बेटा कल ना बाबू जब ले अजमाई ना तब ले जाई ना तय अजमाई बहम बाबा का लकड़ी अरे अजमाई बहम बाबा का लकड़ी माने बात ने कहूं कर दे लाया कड़ी माने बात ने कहू गल गदेला करी कल बाबू हम आगे ना बढ़ब जब लकड़ी के टेस्ट ना कर लेबे लड़का जी दियाल है बाबू झगड़ू कहले के काम कर ना तोर मन मानत है तो खाली धनाए वाली मार बेटा एक मार खाली एक खाली मार बाबू के कहते है आ पट से एक लकड़ी तान के मल्लस पीछे मल्ला तान के जैसे के पीछे दगले रहलु पर्द सेवा के ओ तर पीछे चुतरे पर मल्ला बद दे एक लकड़ी जब एक लकड़ी मल्ला भैंस धना गए लेकिन मालूम ना होता लड़का कल का हो बाबू कहली ना कि कोनो यह 420 चुतिया बना के मन के गए कल हाँ बेटा जनात ना है लेकिन पहलवान बड़ी खनहन रही ऐसे में बड़ा मुरझाई लगत छे लगत है कि असर हो गल असर हो कुछ बोलल का तो बंद है कुछ था है बा कुछ था है बा कल ना बाबू हमके विश्वास ना है
कहते काम कर बेटा, तो धनाय वाली मार भेल ना संतोष, खल थल बलाय वाली मार। बाबू का आदेश पोत लड़का के लेका, अरे देहला छुआ हो तो देहला छुआ होगा, देला वाला कारिया के देहला भक्ति का शक्ति अपने, भक्ति का शक्ति अपने देहला देखाए होगा, देला वाला कारिया के देहला छुआ होगा, देला वाला कारिया के देहला लड़का के लगा दूसरी लकड़ी आके, दूसरी लकड़ी आके देहल छुआई रामा, सोहरल भाई दिया यारे, सोहरल भाई दिया गाइल थल बलाई सोहर गई थन में दूध उतर गेल, निहुर निहुर के देखा था बाबू भैंस थलबला गई, उतर गेल दूध, दूध उतर गेल है देखा, अच्छा इनर खाए के विचार, इनर खाए के विचार ना हो। ए भैया खुशी में कुदत था बाबू, कुदत हमन कहले बेटा तीसर की मत मरिए, कहले ना बाबू तनी भैंसिया को देखा, का भैंसिया को देखा तर जा गेल, उहे तर बाब कि जवन मजाम, अरे जवन मजा राम के भजनिया, जवन मजा राम के भजनिया तवन सारी दुनिया में नहीं, जवन मजा राम के भजनिया तवन सारी दुनिया में नहीं, जवन मजा, जवन मजा राम के भजनिया, जवन मजा राम के भज, जवन मजा राम के भजनिया तवन सारी दुनिया में नाही, जवन मजा आम के चटनिया तवन मजा सोवा धनिया में नाही। इतना भैया लोगों ने हुआ, नौजवान साथी हुआ, बुजुर्ग चाचा दादा हुआ, ये हमारे बदे आप बदे दुनिया में सबके बदे लाइन है का जवन मजा, जवन मजा, जवन मजा आम के, जवन मजा आम के, तवन सवा धनिया में नहीं, जवन मजा अपने तू लहिनिया, जवन मजा अपने तू लहिनिया, दूसरे के रानिया में नहीं, जवन मजा अपने तू लहिनिया, तवन सवा धनिया में नहीं, जवन मजा अपने
भर गई बा, ठन में दूध उतर गल बा, निहुर निहुर के ताकत बा, कहना निहुर के नीचे का ताकत हो रे बेटा, कहे बाबू तन थनवा को देखा कि दूध से कसा गेल थन, बाबू दूध से कसा गेल थन, पूरा कैल नाथ यार मनवा, पूरा कैल नाथ यार मनवा, दूध से कसा गेल थनवा। देखा है बीरा जगत के सम्राट और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा प्राप्त मंत्री भाई विजय लाल यादव के शिष्य लल्लू लाल यादव बबूरी चंदौली के धरती से पुष्पहार के साथ साथ 100 रुपया पुरस्कार इनका कहना है इतना सा लोहनिया दोहरा दा आखिरी वाली अच्छा ठीक है अरे जवन मजा तो जवन मजा आम के जवन मजा अपने दूल्हनिया जवन मजा अपने दूल्हनिया दूसरे के रनिया में नहीं जवन मजा अपने बाबू से अरे बाबू तनी थनवा को देखा कि दूध से कसा गेल थनवा बाबू दूध से कसा गेल थन पूरा कैल नाथ यार मनवा पूरा कैल नाथ यार मनवा दूध से कसा गेल थनवा पूरा कैल लड़का मेहनत करता है 50 रुपया ना 60 वाली नोटिया देता मधवा इला बियाने अनार के रस पी लिया 15 ठेरु मेरा था तो जय मधवा ए भैया कल बाबू तन धनवा को देखा देखा थनवा में दूध उतर गल है बड़ा बड़ा थन हो गल है छिमी में पूरा उतर गल है काम बस बेटा बस बस सरकी लग मरी है मत बेटा नहीं तभी आधे रास्ते ला भी रात काफी है आधे रास्ते मन फंस जाली बात बिगड़ जाई कहलो ना बाबू जब ले पड़वा चाहे पड़िया देख ला ने तब ले संतोष ना हम कहलो कर रस्तवा में कल और का अब देरी कोने बात कर लड़का कहले का अरे लकड़ी मारती धरी मेरी कि दूध से कसा गई बापू दूध से कसा गई अरे फैंसी रौले पड़वा ते ही छनवा दूध से कसा गई छनवा भैंस के गुड़ बदे मिठू ड्राइवर साहब मलेवर के धरती से ड्राइवर साहब के बहुत प्रणाम सब भैया के नमस्कार प्रणाम लड़का कहले बाबू ती सरकी बेर मारब जरूर
पड़वा चाहे पड़िया जवन दे देखम ना तबले में संतोष ना है तान के दिसर की लकड़ी मल्लत भैंस बच्चा फेंक दे बाबू कल का रे धोती छोरा बाबू नाना मन ले कल पहले धोती छोरा पोछा पछा के अच्छा तो पोछ पाछ के कान्ही पर पड़वा के रख ले आगे आगे पखंडू पड़वा लेके पीछे पीछे भैंस वो करत पीछे पीछे जाती है ओकरे पीछे बाबू लाठी कान्ही पर रख के चल ले थोड़ी दूर गए रुका का बाबू सुना ये लकड़ी के बारे में गांव वाले सारण से ना बतावे की है कहना काहे अरे कुल भैंस लेके आ जन दुआरे धनाओ धनाओ थमा जिंदगी खराब हो जाई एक चोरा के रखल जाई आपन भैंस जब दूध तोरी तो तीन लकड़ी मार के फिर विवाह के ताजा कर ले जाई कल हाँ ये बात तो ठीक कर ले है घरे पहुंचे में सवेरा हो गल अस गांव वाला देख के हैरत में पड़ गए अरे बाबर बाप कल यहाँ भाई सब भैंसा खोतलन आज भी आई लेके आओत हूँ इत दुधार बहुत काफी लगत छे ए भैया गाँव वाले पूछे कि कहो पखंडू वह पड़िया की दूसरी है कहना मर्दवा तुम लोग का दिमाग खराब है अबे कल यहाँ धनावे के लिए ले गई ली आ तबले बियाई ले क्या गई ली ये कैसे हो सका ला अरे वो परिवार के दे के कुछ पैसा दे के बियाई लेके लिए दुधार लेके लिए हाँ ये बिया दूर है ए भैया का कल है अरे राई से कलाई से पर्वत करते भगवान शांत चल भैया अब देख देता कहूँ हाँ वाले है राम शांत चल भैया लकड़ी के मड़ई में खोदलस भीतर कि क्यों नजर न पड़े धीरे 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 कुछ समय बीतल सावन का महीना आल है बरसात का महीना आल है आ जब बरसात का महीना आल तो गांव के लड़का पड़ोस के लड़का कबड्डी खेले गए आ जब कबड्डी खेले गए तो खेले ही में झगड़ा हो गई आ जब झगड़ा हो गई तब कब है अरे पिता समय या लड़कन के संग खेल लगा लगा देला हो बात बात में झंझट हो गए भारी मचल लड़कन में खेलते खेलते वाद विवाद बढ़ गल चार पांच गो लड़का मिल के पखंडुआ के गिरा के पटक के लातन मुक्कन मार के ओकर हालत खराब कर देल बेहोश हो गए होश में थोड़ी देर के बाद आयल है कलश की बेटा असल बाप के लोगों होइया तो रुकल रहे हैं अब आवत है अब हम आवत है ला पहुंचल घरे कैले का मड़ई से लकड़ी खींचा दुखमान शाम से चल भेले वही परसानी लकड़ी से मारा टांग टांग से चल भेले लड़का मल्ले रहा ना जा के दुदू लकड़ी तान के मल्लस आ जेके दू लकड़ी लगे पेटवा खर दे खात निकल जा अब पेट पकड़ के लौट जा लोग बेहोश हो जा जेके दू लकड़ी मारे पेट पकड़ के लौट जा एक हाथ पेट निकल जा पखंडुआ देखते कि ये भाई उस सधुइया दिल भैंस बदे यदि मिनो पर काम करत छे ये लकड़ी के चोराना जरूरी है नहीं तो कहीं इन के घर वाले आ गए यह लकड़ी छोड़ के हम के दूठे मारे हैं तो हमारो हालत खराब हो जाए तो चोराना जरूरी है ए भैया लकड़ी कैलस का लेके चल है अब तो चार पांच ठोरा बेहोश हो बतावत कोई से ना है लकड़ी लेके आला घरे तब का कैले
अरे जेकर माया से टिकल धरती अगर, अरे जेकर माया से टिकल धरती अगर, अरे जेकर माया से होला संजला भी, अरे जेकर माया से होला संजला भी हूँ, अरे मालूम नहीं कैसे खुशी हो जाला गोस, अरे मालूम नहीं खुशी कैसे हो जाला गोसलिया, अनहरण के आँख देते पहिरन के, अरे अनहरण के आँख देते पहिरन के, अरे जेके जेके लागल दीना नाटकल, अरे जेके जेके लागल दीना नाटकल, सबही कया फट में परल बपरा, अरे सबही कया फट में पर, अरे लकड़ी के फेंक दिया कुआं दर, अरे लकड़ी के फेंक दिया, अरे पानी है मैं असर पड़ी गई ना सुजा। तो चलस की कहाँ एके रखे की क्योंकि हाथे ना लगे, घबरायल है कि हम को छोड़ के ना मार दे सब, लकड़िया के कुइयां में फेंकल, कुइयां में पानी रहल, वो पूरे गांव में एक कुइयां है, और कुइयां में लकड़ी के फेंकल लकड़िया पनिया पे जाके पट से गिरल, आ जब पट से गिरल तो धनैले के पानी में असर हो गया, पनिया में, पनिया में आप पट से गिरल तो दोबारा उछल के दूसरकी पे गिरल है, तो थल बल्ले के भी असर हो गया पनिया में, पनिया में सोचे लगल के भाई भैंस बजे सदुया दिलस, ये आदमी पे काम करत बा, मेहरारून पे काम करत है, आ कहीं पनिया में दूबे उछल हूं असर हो गया, तो जब ले कौन गांव वाला पानी पीहे ना तब तो हम छुअब ना, तब ले जने हर जोत के अलन है अपने मेहरा सोन के काम कर, जल्दी ताजा पानी निकाल के ली आओ, तनी प्यास तगड़ी लगल है, ए बाबू मेहरारू आई है बल्टी डोर लेके पानी निकले कुआं में से बड़का लोटा से एक लोटा पानी दे, वो घट 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 पियलन है, तेर पेट खट 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 निकलल है, लोट गए मेहरुआ सूर के भाई पियासल पनिया लग गल का, लेकिन पेटवा कहा निकल गया, अपन हूँ पियलस ओहो को पेट खट 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 निकल गया, साँझ हो तो पूरा गांव का लोग मेहरारू मरा सब कर जे जे पानी पेले सब का पेट सब का भी नोगल पूरा पखंडुआ पर रह चिंता में, ओ गांव का प्रधान जी ससुरार गल लन, कल ये भाई खबर मिले लिए अइलन, कल रे बाबू रहते हमर ऑटो खराब हो जाए जात है, भागल भागल डॉक्टर साहब के कहले, कहले डॉक्टर साहब हमारे गांव में चला, हमारे गांव के लोगों का हाल बड़ी खराब है, कल का बल कल लगा था कि हमारे गांव में पेट फुलैया बीमारी आई है, तो जल्दी चला था डॉक्टर साहब को, प्रधान जी घबरा मत तो रोड खराब ना हुई, हम चलब तो नारी पकड़त पकड़त फिट कर देव हम सबके, कहना जल्दी करा मेहरुआ तेरे कुछ आरामे हैं, लेकिन मर्दवा ढेर परेशान हूँ डॉक्टर साहब, प्रधान जी के हैरानी देख के चल ललन, अलन नारी पकड़ लन, कहला प्रधान जी हम रोग पकड़ ले लेला, एक इंजेक्शन में ठीक करम, लेकिन प्यास लगल पहले पानी पियाबा, पर्दा बहुत रह जाए, डॉक्टर साहब के एक गिलास पानी दिया है, घट 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 पियला तले पेट खट खट कर निकल शुरू भल, अब दवाई दे वालों खुद वो लौटत हवन, कहले हे भाई लगत संक्रामक बीमारी है, नरिया पकड़ता रोगवा पे दूसरे के पेटवा में घुस जाता, बा दूसरे डॉक्टर के यहाँ दूसरे डॉक्टर साहब कहे कि भैया 500 रुपया ले ला, दूसरे डॉक्टर के जरा हमके हमार हिम्मत ना है, वो जावे के तैयार ना है, लड़कावा बाबू से के बाबू जब सबका पेटवा फूल जान तो कैसे कैसे रे, कल लकड़िया पनिया में फेंकली है दूध में पट पट गिरल है, लगा था कि पनिया में भी असर हो गल है, कहना साले बेकूफ हुए हम तो पानी पियत ला काहे ना हमके हमके असर काहे ना करत, कहला ना बाबू ना बाबू तू पानी ना पीले हुआ तुहरे बदे अपने बदे दूसरे गांव से पानी ले ले बाबू दूसरे गांव का पानी पी लिया था, अगर ना विश्वास होगा तो कहा यही में से तुम के गिला दे बाबू, कहना कि ना 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 ए भैया, तब लकड़ी निकाल क्यों का हिम्मत ना पड़ती,
प्रधान जी के जाके बतौलन है झगड़ू कहला की भोलेनाथ के लकड़ी ऐसा रोगला पानी में दू कसर बल तीसरकी का भी मारे के पड़ी बरदानी लकड़ी है तो सब तो डेरा था लेकिन पखंडुआ अपन गोर बन ले बल्टी में और ढिल नीचे लकड़ी के निकल फड़फड़ावे लगल लेके सब भागत हो कि छुआ न दे डॉक्टर साहब के तेन हो सकल बा हमार पहले खाली कर हमार मरीज जोत हुई है पट से मल्लस तीसरकी लकड़ी मल्लस तुरंत बच्चा निकले के जगह बन गई डॉक्टर के नाव के बता दला आदमी लोगन के मेहरानों के तो जगह बा वो कहाँ मर्दन के ना बा तब मर्दन के फर्द दे आके जगह बन जा आ भोलेनाथ का महिमा हो आ जगह मजा लड़का बाहर हो जा आ फर्द और जगह मुना जा सिम सिम दरवाजा बंद सबके एक एक लकड़ी मल्लत पूरा गांव में जितना लोग फूलल हुआ सबका पेट पच गोलो सबके क्योंकि लड़का के कोई लड़की भैल ओकर पालन पोषण भैल धीरे धीरे सयान भैलन आपस में बिया कैलन जनता बढ़ल संख्या बढ़ल गांव से शहर बस गई शहर कौन बसल अरे सत के कसौटी पर कहानी कस गई जकर नाम पर नगरिया काठमांडू बस गई लकड़ी काट रहल लैकवा के नाम पखंडू है काठ है पखंडू के तोड़ मरल के वो काठमांडू जो नेपाल का राजधानी है नेपाल नरेश खबर लगल है ऐलन है वो कुआं के पटवाई के वो पटे दिव्य मंदिर का निर्माण करलन और मंदिर के अंदर वो लकड़ी देख दलन आप लोग देखा था बा नेपाली के देखा था बा मेहरारू मरद कुल एक किस्म को होलन वो कुल लकड़िया वाला हूँ जैसे मर्द का चेहरा उसे मेहरारू का चेहरा हाँ वो कुल लकड़ी वाला हूँ तब कविता पंतुकाल के नुरानी बन गई कविता पत्तू बाल के जिगर में धत गई जकर नाम पर नगरिया काठमांडू बस गई आज भी वह लकड़ी काठमांडू मंदिर में है जेकर गाय भैंस ना धनालन छेड़ बकरी लेके जाला सब दे मधवा तो लोग मनौती कहले कि हे पशुपतिनाथ हमार गाय चाहे भैंस बच्चा दे दे तो पहला दूध लेके चढ़ाई वही लोग जाके मनसा पूरन होले लोग दूध चढ़ावलन आज भी मंदिर में लकड़ी पलबा यह तो कुआं खोदा गए कुआं पटाए गए तो गुरु बिहारी पत्तू सरजू धन्य हरी की माँ सोही सिमूर घुरभारी कहीं धूप कहीं छाया अरे जमाई बहम बाबा कल करी गाते श्याम दे भोला का पहुआ पकड़ लिया